बारे में बस दो लाइन बोलेंगे कि यार दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराइयों में जाना छोड़ दिया। यार ने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हमने भी गहराइयों में जाना छोड़ दिया। जब उनको ही दूरी का एहसास नहीं तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। शुरुआत करेंगे अब आप लोगों के लिए जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी चार लाइनें हैं कि तुम जो आए तो मौसम रंगीन हो गई, हवाएं थोड़ी सी अभी उनकी नई नजीक आई। तुम जो आए तो मौसम रंगीन हो गई, हवाएं थोड़ी सी नमकीन हो गई, हैरत हुआ हमें, जी ध्यान से, हैरत हुआ हमें जब हमने ये देखा कि आप लोगों की मौजूदगी से स्टार मीडिया की वादियां हसीन हो गई। शुरुआत करते हैं पहले परफॉर्मेंस से, पहले एक ऐसे गुरु जी हैं जो हम चाहते हैं कि दो शब्द कहें। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर रोशन। मैंने क्या क्या मौके छोड़े, अगर मैं ऐसा कर
जाओगे जाके पॉलिटिक्स में ज्वाइन करो। तो अगर मैं पहले चुनाव लड़ लेता तो शायद मैं आज पॉलिटिक्स में बहुत आगे होता। मैंने कहा नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मैं यहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वही ठीक है। लेकिन आज मैं थोड़ा पीछे मुड़ता हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है एक पीस होती है यार, ये छोटे मोटे बच्चे मेरे साथ भी आज कोई एमपी बन गया, कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है मैं भी इसमें से एक होता। तो ये जो टीस जो एक कमी रह जाती है ना मन में, वो ना रहे। तो अभी आपके पास उम्र है, ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये जो आपकी उम्र है इसको जाया ना करें। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक दिन, एक एक महीना, जैसे जैसे जो बीत रहा है इसको खराब ना जाए और इस तरह एंजॉय करें। जरूर है असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। क्यों दूर है ये इश्क़ का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर
यस मैम, मैं स्पेशली लगवाया है आप ही के लिए। एक ही दो साल से कर रहा हूं, दो साल से कर रहा हूं। पीछे बजेगा कौन सा वाला? बारी बारी मेरी है। एक डांस भी नहीं हो रहा। मार्चिस मार्चिस हमारे पास भी किसके पास लाइटर है? ये दे दीजिए आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा रंग दे बसंती I don't wanna go on and make a castle.
Bye.
बाल तो ट्रिम करा लेना। Thank you.
presente. As novinhas ali se colocou nesse joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Yes!
बच्चों का तहे दिल से इसलिए क्योंकि मैं बाहर शूट पे ले जाता हूँ, चार बार शूट पे ले गया हूँ और प्रखर सर से बात होती है सर आज माइक छूट गया है। और एक बार तो सर जो हमने शूट किया था जिसमें सीबी ने एंकरिंग की थी उसमें हम मेमोरी कार्ड ही भूल गए थे। तो विशाल का मेरे पास मैसेज आया मेरे पास भी याद है तो विशाल का मेरे पास मैसेज आया सर आप गलती पर काफी करीब है। और उसके बाद फिर अगली बार कुछ ना कुछ भूला तो स्टूडेंट्स का सबसे तहे दिल से शुक्रिया था। उसकी जो ऑडियो है वो मोबाइल में है और बाकी केवल कैमरे पे और उसको कट करना और उसको शूट करना कितना टफ होता है आप लोग से। और मेरी ताकत जो है वो है प्रखर और दुर्गा और मेरी टीम याचिका शिखा जिनके बारे में आप लोगों के अंदर कितना टैलेंट छुपा हुआ है, कितनी प्रतिभा है, इस प्रतिभा को और निखारिए। कोयला होता ना कोयला, यस सर, हाँ कोयला को जितना निखारता है ना ऐसे ही अपने आप को निखारिए, हीरा बनाइए। तो मुझे मैं तो देख रहा था कि यहाँ एक से हीरे हैं, इसको और निखारिए और आसमान छुइए। मेरे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ने मुझे तो बोला कि मैम आप ना अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो और प्रशांत ने भी बोला, कहाँ है प्रशांत जी? मैम हाँ प्रशांत ने बोला था मैम आप ना थैंक ऑफ वोट में आप ना कुछ अपने हाँ वोट ऑफ थैंक्स में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना। कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करो तुम ये बताओ। मेरे करियर में उतार चढ़ाव देखो मैं एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, सबको बताना चाहूंगी कि जो लोग आपका साथ देते हैं और जो लोग आपका नहीं साथ देते हैं उन दोनों को आपके ऊपर विश्वास होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, है ना? Yeah. और एक चीज जिंदगी में कभी मत छोड़ना और वो है डिजायर। डिजायर और पैशन दो अलग अलग चीजें हैं और करियर ये भी एक अलग चीज है, लेकिन अब जब लाइफ में आप जूझते हो ना, कर्मठ बनते हो ना, तो जो डिजायर है ना वो आपका पैशन बनता है। और पैशन और प्रोफेशन लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जिस दिन लाखों में ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैशन को अपना करियर बनाते हैं तो वो लाखों में सच में करोड़ों में एक अकेले हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं लाखों और करोड़ों में अकेले खड़े होकर कुछ करने की कोशिश करूं और जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी स्टूडेंट्स का। थैंक यू मैम। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, वो स्टूडेंट मेरे हस्बैंड ने जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, पर मैं आज कह सकती हूँ कि एक हर कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिसके कामयाबी के पीछे पुरुष का हाथ होता है। और दोनों जो दोनों होते हैं ना वो परस्पर होते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए और वो आपको सपोर्ट करेंगे। और देखिए जिंदगी का जो दो पटरी है ना सच में रेलवे ट्रैक की तरह होंगे और बहुत अच्छी ट्रेन चलेगी। और मैं मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप बिजनेस वुमेन हो और कुछ लोग कहते हैं बहुत कुछ कहते हैं, तो रोशन सर ने कहा था जब आपकी लोग बुराई करते हैं ना तो आप सोचो आप तरक्की कर रहे हो। तो मैं खुश हूँ कि लोग मेरी बुराई करते हैं तो करने दो, आप तरक्की पे हो ये सोचो। और जिंदगी में आप आगे तभी बढ़ोगे जब आप लोगों को सुनोगे और वो आप अकेले 99% होते हो जो आप सोचते हो कि आप लोगों की सुनते हो और कर नहीं सकते हो। नो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ये लिखा है। कहते हैं कि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो, पर मेरा मानना ये है नॉट ओनली स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग द आयरन। जिंदगी में मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी, सारे स्टूडेंट्स जो बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मेरे पास 80 बच्चे कुछ डिस्टेंस के आए नहीं हैं और मैं ये 80 से बहुत कुछ बना सकती हूँ और आपको बेस्ट विशेस दे सकती हूँ। पढ़ाई में कोई कमी रहे कहीं कुछ भी रहे मैं डायरेक्ट मिलती हूँ और आप मेरे पास आए कोई प्रॉब्लम हो